एक बार एक घटना हुई नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक कार्यक्रम में गया था। 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा था, उसको मैंने अन्नप्राशन के लिए उठाया। जिस महिला का वह बच्चा था उसके साथ एक 2.5-3 साल का और बच्चा था। इधर मैं उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहाँ पर एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि 1-2 साल 2.5 साल के बच्चे के मन में टोपी पहनकर आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। अपनी माँ से चिपट करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। आखिर सीएम योगी को लाल टोपी से डर क्यों लगता है? यही नहीं, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने लाल टोपी को हाईलाइट करते हुए प्रोफाइल बदलनी भी शुरू कर दी है। अन्नदाता किसान को धोखा देकर दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पैसा सीधे उनके खातों में क्यों नहीं जा रहा है। आज तो पर्ची भी किसानों के स्मार्टफोन पर मिल रही है। घोषित दलाली का जो जरिया था वह भी खत्म हो गया है। वह कहते हैं इनके डीएनए में विभाजन है, अगर वह डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि वह सीएम है। उन्हें कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि डीएनए आखिर है क्या। मैं जानता हूँ कि आप लोग किस प्रकार की भाषा सुनते हैं, उसी प्रकार का डोज भी मैं समय समय पर देता हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में जुर्म और रात में गांजा, जिसे देखना है तो यूपी आ जा।